For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. जी हाँ दोस्तों, इश्क में मर जावां से जुड़ी एक ऐसी खबर आप सबके लिए ले आए हैं जो कि आगे कहानी में क्या कुछ होने वाला है ये बयां करेगी, और साथ ही साथ क्या है आगे इतना खास जो कि कहानी को पलट भी देगा, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे इसी स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हाल रहा था बीते एपिसोड का, जिसमें आपने देखा दीपा आरोही को कोई कैद कर लेता है और उसे सच्चाई बुलवाने की कोशिश करता है कि आखिरकार निकू कहाँ है, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बताता। वहीं आपने देखा कि ये सब आरोही की ही साजिश होती है, जो कि खुद दीप से सच्चाई बुलवाना चाहती है कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता और वहीं आरोही को चंगुल से छुड़वा कर भागा देता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि कैसे रोमा के सामने भी ये सच्चाई आ जाती है कि तारा घर छोड़कर जा चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वहीं अगर अब आप बात करें कि आगे क्या है कहानी में खास, तो ये जान लीजिए जहाँ पर सबको भगा कर ले आता है और दीप देता है आरोही का साथ, तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि कैसे रोमा फंस चुकी है जहाँ पर पृथ्वी उसको गोली मारने चला आता है वेदिका की मौत के इल्ज़ाम में। वहीं आपने देखा कि अब आगे कहानी में क्या है खास, तो ये देखिए ना जहाँ पर आरोही और तारा में से अब कौन जाता है लंदन दीप के साथ, ये देखना होने वाला है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प। क्योंकि जहाँ पर आरोही बोलती है दीप को लंदन चलने के लिए उसके साथ घूमने के लिए, तो वहीं तारा को ले जाने के लिए भी बोल देती है रोमा। तो ऐसे में देखना ये है कि अब आरोही और तारा में से किसको चुनता है दीप। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।